बांदीपुर वन संरक्षित क्षेत्र भारत में प्रमुख रूप से टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व क्षेत्र कर्नाटक में चामराजनगर में बसा है। यह मैसूर से 80 किलोमीटर और बेंगलुरु से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पार्क 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। बांदीपुर नेशनल पार्क अपनी लुभावनी नेचर ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यह जगह केरल के आसपास के राज्यों जैसे मुदुमलाई और वायनाड में फैला हुआ है। खूबसूरत वन्य जीव और चंदन के पेड़ों की विशाल संख्या के साथ भरा यह देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध साइलेंट वैली स्थित है। कबीनी नदी के किनारे बसे बांदीपुर पार्क में आप जंगली प्राणियों जैसे तेंदुआ, जंगली भैंस, हिरण की कई प्रजातियों, जंगली हाथियों, जंगली सुअर, सियार भी देख सकते हैं। बांदीपुर के जंगलों में आप दुर्लभ पक्षी जैसे रॉबिन, जंगली मुर्गी, तीतर, मोर और मोरनी, कबूतर और विभिन्न प्रकार के शिकार के पक्षी देख सकते हैं। चंदन, शीशम और सागौन के पेड़ अलग वन्य प्राणियों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं और यहाँ की वनस्पति इन प्रजातियों को प्राकृतिक आवरण प्रदान करती है। यहाँ किंग कोबरा पाए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की छिपकलियाँ और गिरगिट भी बांदीपुर में पाए जाते हैं। आप सुबह जल्दी या फिर शाम के समय जंगल में सफारी पर जा सकते हैं, जब कई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के छिद्रों के पास बाहर आते हैं। सफारी के लिए जीप उपलब्ध होती है या आप वन विभाग के कार्यालय द्वारा चलाई जाने वाली टूर बस का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कई सारे लॉज, रिजॉर्ट और होटल हैं जहाँ आप रह सकते हैं, जिससे टूरिस्ट प्रकृति का पूर्ण आनंद उठा सके।